हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मुझे ना पुलाव खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने ये एक पाव बस बासमती राइस को मैंने जो है भिगो के रख लिया है। तो आधे घंटे तक मैं इसे भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। उससे जो है मुझे राइस में कितना पानी डालना है उसका परफेक्ट आइडिया हो जाता है और पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैंने तड़का लगाने के लिए कुछ स्पाइसेस ले ली हैं। देखिए, इसमें तेज पत्ता है और काली मिर्च, छोटी इलायची है, दो 5-6 लौंग की कलियाँ हैं, जीरा है और एक चक्रफूल को तोड़ करके ले लिया था। तो बस मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। अब कुकर जो है मेरा गर्म हो चुका है, उसमें का पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें खुद की बनाई हुई ये घी है, इसे मैंने खुद ही बनाया था। एक स्पून जो है घी ले लिया है मैंने। अब इसमें जो है बाकी तड़के जो है उसे मैं ऐड कर दूँगी। तो ये जो मैंने तड़के उसके लिए रखे हैं उसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। और अब इसे थोड़ा देख लूँ, थोड़ा रोस्ट हो जाए, थोड़ा जीरा चटक जाए इसमें। तो बस अब देखिए जीरा चटक गया है। तो अब मैं इसमें जो मैंने पुलाव का पानी मैंने निकाल लिया था 5 मिनट पहले ही, तो अब जो मेरा भीगा हुआ चावल है उसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस ये मैंने चावल डाल दिया, फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ओह देखिए, मुझे याद आया मैंने काजू डालना, तो मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, काजू मैं बाद में भी डाल सकती हूँ और इसको तड़के के साथ भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस अब इसमें मैं काजू डाल दूँगी और ये गया काजू। पुलाव में ना जो काजू आता है बीच बीच में खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने घर में इसे रख लिया था, फ्रोजन मटर को। घर पे जो मटर के सीजन होते हैं ना, उसमें मैं मटर को छिलके फ्रीजर में रख देती हूँ, फिर जब सीजन नहीं रहता तो भी बनाना रहता है तो बन जाता है। अब बस मैं इसमें नमक डाल दी हूँ, फिर इसे अच्छे से मिक्स करके चला लेती हूँ। अब मैंने जितना राइस लिया था ना, 250 ग्राम यानी एक पाव, उतना ही पानी डाल दिया और थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी क्योंकि पानी जो है चावल के ऊपर रहे। बस क्या है, अब फटाफट मैं इसमें सीटियाँ लगा दूँगी। बस अब एक सीटी आने का वेट कर लूँगी और फिर देखिए एक सीटी आ गई है। और ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले पुलाव बनके रेडी हो गए ना, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है।